हनुमान बेनीवाल को हम लोकसभा के अंदर भेजेंगे। आपको मेरी आवश्यकता जहां भी पड़ेगी याद कर लेना, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। नौजवानों ने ट्रैक्टर पे बिठा के यहां तक लाए, जोश देख के लग रहा है कि आप पूरा मन बना चुके हो। रास्ते में मुझे कोई कह रहा था, नौजवान कह रहा है साहब मनोबल बुद्धि हो लाली बार, कब दिया था, किसको दिया था ना, कब कब लाली बार करना क्यों, चौदह की बात भूलो बता हाल ही याद रखो। बाद में तो कोरोना आए गो है, अब आर तो खाली रितपाल जी की बातें याद रखो, तो हमारी भूलो नहीं नहीं वो तो इनको ये तो आई नहीं, पिछली बार तो अपना प्रोग्राम यहाँ था कि नहीं था, हाँ रखा था, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था, और 14 में भी आपने अच्छी व्यवस्था कराई, खेड़ी शिला बाजोली, वो तो पिछली बार बात खत्म हो गई, पाँच ही लिए थे मगे इन बार थे मारो लगे उल्टी जुल्टी बात अलार्म थे क्या नहीं याद है ना यार, थाने बैठे बैठे उल्टी बात सूझ जाए। अब आर तो पूरा ठेको में रितपाल जी दे दियो, हम लोग गलत बोलन को बाहर चीज बही करे सब जगह और घणो कोई कहे थे ना के मारी तबीयत ठीक हो नहीं, मारे थेरेपी चले, कीमो लागे मारे कीमो। भाइयों यहाँ विकास की आवश्यकता है, जाके साहब ने प्रयास किया, हमने भी किया, सड़कें बनी, स्कूल अस्पताल, लेकिन मकराना जिसका मार्बल विश्वख्यात है, इस मार्बल उद्योग को और बढ़ावा मिल सकता है अगर सरकार चाहे। हम प्रयास करेंगे कि केंद्र के अंदर अगर आपने भेजा और ठीक स्थिति रही तो मकराना के मार्बल उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, नावा के नमक के उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, टंगस्टन की हमारी जो माइंस बंद थी उसको चालू कराने के मैंने आदेश कराए थे, और खुशी की बात है कि सर्वे वालों ने मुझे कहा कि यहाँ लिथियम मिल सकता है, अभी पक्का नहीं मिलेगा, मिल सकता मतलब पॉजिटिव बात है, बधाई वाली बात है। अगर लिथियम के भंडार आ गए डेगाना में तो ये जो आपका इलाका है ना 150 किलोमीटर के नजदीक का, ये आबाद हो जाएगा बिल्कुल, जैसे खाड़ी देश बड़े हुए ना, लिथियम की सबसे बड़ी आवश्यकता वर्ल्ड के अंदर है, लिथियम अपने यहाँ निकलेगा तो ईश्वर की बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बाड़मेर में तेल निकला, देखिए बाड़मेर कैसे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। पुराने नेता अगर काम करते तो आज हमें तकलीफ नहीं पड़ती, काम तो करुड़ा ही कौन है, खाडा खोजुड़ा पांच पांच छह छह फुट, पहले तो खाडा ने बूरिया, खाडा ने बूर इमारत खड़ी करने को प्रयास कर रहा, इतना में पाते चुनाव आज एकड़ा है, कोरोना आज एकड़ा है, सीटा कम आवे ज्यादा आवे, प्रयास में कोई कमी नहीं रही। मैं चाहता तो 2003 में सत्ता का सुख भोग सकता था, अब ये बताओ कि 2003 में मुझे हराने कौन कौन आए, धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने मेरे खिलाफ प्रचार किया था 20 साल पहले, अब तो तुम पढ़े लिखे लोग हो, कितने होशियार हो गए, 20 साल पहले पुडड़ा ज्यादा तो बिना पुडड़ा गाँव में लाता कौन लाता, धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ के बोला मैं तो नीचे पढ़ू, अरे लोग क्यों धर्मेंद्र आए हराए जो हमारे, फिर भी 2500 से आ रहा था, 2500 से आ रहा था मेरे भाई, मुंडवा सीट थी उस समय, जिद की, और वसुंधरा ने कहा कि मेरे से आके और माफी मांगो, मैंने कहा माफी तो मांगना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तू तेरे कर ले मैं मेरी करूंगा, हो गई भी झगड़े हो गए चल दिए, तो झगड़े चलते रहे आखिर वसुंधरा राजे को ही राजस्थान से जाना पड़ा, मैं ही हूँ देख लो आप, पार्टी भी बनाई, आपका सम्मान बढ़ाया, हर भाई के काम आया, और 5 आदमियों ने अगर कह दिया कि साहब बात ठीक है और ये बात ठीक नहीं है तो आपकी बात मान ली। वैसे जाकिर साहब को गुस्सा था आज, मैंने देखा था 2-3 जगह करो ये तो अब हमारा जो गुस्सा अंदर है वो उबाल इस बात का है कि हम प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को समझा नहीं पाते बात, जब चुनाव आते हैं कोई तो जातिवाद में वोट जाते रहे, कोई अलग जाते रहे, कोई कर तो लोग तुलना किससे कर लेते हैं, अब ज्योति मिर्जा की अगर मेरे से तुलना करोगे तो फिर तो मेरी राजनीति बेकार हो गई, कि मैंने तो पार्टी बनाई, दिल्ली में नागौर का नहीं राजस्थान का नाम किया, किसानों के लिए सत्ता को ठोकर मार दी, कौन कैबिनेट मिनिस्ट्री छोड़ता बताओ प्रधानमंत्री के पास से, जवानों के लिए अग्निपथ का विरोध किया देश के अंदर एक एमपी ने, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, तेजाजी महाराज कौन थे जो मोदी ने पूछा कौन तेजाजी, उसको खरनाल में नाक रगड़वाई ले जाके, ये है तेजाजी देख ले, तो मैं तो प्रयास किया ही था, यही तो तकलीफ है, यही तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के, कि मोदी और अमित शाह कुछ नहीं समझता है, इसको ठीक करो, ठीक तो मैं नहीं होऊंगा, एमएलए होना 5 साल के लिए बन गया था,
तो मैं तो फिर वही लाठी बजाऊंगा राजस्थान में। लेकिन मेरे को ठीक करने से आपका कोई वकील नहीं बचेगा दिल्ली के अंदर। उत्तर प्रदेश के सारे नेता, पूरा परिवार बीजेपी गोद में बैठ गया और हरियाणा वाले गोद में बैठ गए, दिल्ली वाला पहले ही गोद में, एक राजस्थान बचा है और उसमें भी ये आपका भाई बचा है जो आपकी पैरोकार इस देश के अंदर कर रहा है। इन्हें ध्यान रखना, कोई भी वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए। बातों में राजी कर लो, अगर बीजेपी के लोग आए, सरकार है, कान में कोई बात के, कभी श्रीराम फीचर बोल दे, कभी रूपाराम सुन लो, हाँ ताकि मदद करा, वोट में नहीं देना, ध्यान रखिए जो बस। क्यों ज्योति निकट नाड़ो थे बताओ, मैंने ज्योति को ढूंढोगे कहाँ पे? पहले थी ना एमपी, न इसका कार्यालय, न इसका फोन नंबर, न इसका अता ना पता, और वापस इंडिया बुल्स के अंदर उस ईडी के घोटाले की मुलजिम है। कब इनका मूड बन जाए, पूरा ही सासुर चार पाँच हजार माँ गाल दे ले जा, कहीं करो थे बाद में। ये हम ही है जो मुकाबला कर रहे हैं, और इतिहास गवाह है, जो लड़े हैं उनको ही लोगों ने माना है। हाँ, हो सकता है पूरी सत्ता लड़ने वालों को नहीं मिली, लेकिन वही नायक रहे लड़ाई के। तो इस प्रदेश के अंदर जो नौजवानों के अंदर एक ऊर्जा भरी, किसान कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर अगर हवा दी, तो हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैलियों ने हिंदुस्तान में हलचल पैदा कर दी कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। ये किसान क्या चाह रहे भाइयों, लड़ाई लड़ी उसी का परिणाम है। कोई रितपाल मिर्जा की तरह थोड़े है कि भाई मैं होटल में खाना खायो और मैं दादागिरी बहुत करता, होटल वाला कहता खाना खार के थारी सब्जी में माँ क्या पड़ी है, बोके तो पया मत दो, क्या मैं बहुत दादागिरी करी, क्या कोई हाथ बैठो जगह उड़ जाए दियो और या मैंने बताए दियो, आ दादागिरी, आ दादागिरी है। मैं तो मैं मोदी हूँ लेडियो, रितपाल तो थानेदार हूँ ले सके यार, मोदी तो बहुत बड़ी बात है। कोई थानेदार अगर करके बापड़ा माँ के, तो देखो मैं कहाँ तीन पीढ़ी वरिष्ठ तो अकर को राय निकल जैसा, बट रितपाल के थके तो पहले संबंध बढ़िया। डॉक्टर ने कहीं क्यों ध्यान था ना, कुचरे गांव ने क्या दियो कचरा, मुझे पता किसी के बेटे बापू क्या, हाँ वो डॉक्टर क्यों आने क्यों तुम जाने को, मैं रितपाल बोलूँ कुचरा मेरे बेड़, क्यों मैं जानता हूँ कुचरा कचरा है वो डॉक्टर, क्यों मैं गाँव में। और भी एक दिन तो मैंने फोन करियो आने भी क्यों क्यों हटाणो है पाचो, मैं क्यों हटवावा, क्योंकि अब छोड़ो नहीं यार कहीं हटाणो कचरो कह दिए तो कहीं फर्क पड़े, वो आदमी कहीं टाइप को आदमी यार मानते समझ में, वो तो पिंदो टिके ही कोने, आधा आधा घंटा में चेंज होते रहे, हर पंद्रह मिनट में कोई कह यहाँ कोई कह यहाँ, कहीं आदमी है। मैं नहीं आऊँगा, इतना ही रहना पड़ेगा मुझे, ताकि छलांग लगानी पड़ सकती है ना, आगे ही रहूँ मैं, कूदने को काम करना ही पड़ता है। अब जाकिर साहब को तो अपने खुद के चुनाव से ज़्यादा मजा आ रहा, देखो अच्छा मौसम हो गया, अब यार मना चिंता हो रही है मैं, क्योंकि इस सब गोल्ड बट इस साइड में क्यों नुकसान तो नहीं, लोग क्यों कोई किए को नुकसान, खेत खाली है ना, बार तो जनरल बरसात बरसात और अच्छी बात है, जितनी बरसे बढ़िया। तो मकराना में मैं आया और आज यहाँ तूफान आया और बरसात भी आई, और भीगती बरसात में मान तो भीगता में जाकिर साहब कपड़ा भी कौन चाहिए, क्यों एम ही रहो, अब कहें रात ने ताव छड़ी कहीं हो आराम कर रहे जो नहीं हो, अरे पर भिगिया और गड़िया तो वह कौन में मैंने एक वेट का मार करना, क्यों नहीं कमी चेंज कौन करना है, थाने देख ता उतर जी पा तो एक गोली तो लेनी और छबड़ी दा सेट नहीं था कि लोगों की बॉर्डर लगे लोगों से कैसे कि आप चेक सेट पहनते हो हमेशा छबड़ी दार उस ये आपका लोगो हो गया। तो खेड़ी छिला में 14 की जो बातें हैं उनको तो अपने इसलिए रखना कि आप भी तो इसी इलाके के और मैं भी इसी इलाके को, कई बार आदमी थका हुआ रहता है, परेशान रहता है, लेकिन काम के लिए कोई आया और अगर उसकी मदद नहीं करी तो मुझे बताओ पिछले 25 साल के अंदर, और काम कोई अटका हुआ हो कि वो कोई नहीं कर सकता और आ गया वो भी किया हर व्यक्ति का, कि साहब सब जगह थक गया अब थे ही हो मदद करी, बंजारों के लिए आंदोलन किया जिनके कोई बड़े वोट नहीं है, 10 दिन तक बैठा रहा धरने में, मेरे विधायक को मुकदमा दर्ज हुआ, सरकार को झुकाया और बंजारा परिवार को न्याय दिलाया, कुछ पैसे सरकार बीच में खा गई थी वो बाड़मेर वाला मंत्री वाला, तो झगड़ा आज भी चल रहा है मेरा उसी बात को लेके। देखो मेरी एक आदत है कि मैं कोई बात कह दूं और किसी को बीच में रख दूं और फिर मेरी बात अगर खराब हो तो मेरे परमानेंट उस आदमी जो बीच में उससे मेरी नाराजगी हो जाती है। देखो हमारी भी जमान की वैल्यू होती है, आप हाँ बोल ले तो हम हाँ बोल लें, लोग हैं हाँ भर ज्ञान कहीं था मैं थामे रितपाल जी में कहीं फर्क है, लोग आके तो बा मैं क्या सुना बताओ, तो आप सब लोग
तैयार रहिए और कोई ज्यादा सामान आकर है को लंबो चौड़ ज्यादा घबराने की जरूरत को नहीं। मैं भीचे बैठा हूँ राजधानी के परेशान ध्यान है मैं बटे रहा हूँ जरा चारों मेर यही फेरा चारों मेर थाकर तो फिर भी लास्ट में बॉर्डर में चलता चलता है मैं तो बटे बैठा हूँ ए बटू लड़े को लड़े देते हुए आ रहा है अब कभी एक तो जमान जब तुम भी जो किसान और पहलवान दोनों आंदोलन में इनको जाना चाहिए ज्योति जी जानो चाहिए और उनको जाना चाहिए अपने हुड्डा जी को दोनों को और ताकि जाकिर साहब के रिजवाल जी के दोस्त है पुराने पहले दोनों अशोक जी के खास आदमी हैं अब रिजवाल जी अशोक गहलोत ने छोड़ पालो बदल ओ कारण कहीं छोड़ लो कहीं कारण कोई कैस मुकदमो नहीं भारी पड़ रहा मन मन बहुत गालियां काटे भाई रे मन तो सुनी जी कौन गाली माताएं मैंने रवाना होगी क्या बच्चों क्या हुआ ठापरा दो मिनट तो रुको मैं ही जा रही हूं मैं निकल लिया भाई सबको धन्यवाद खेड़ी छिला के अंदर अब की बार मैंने बता दिया कि शुरुआत जो करेंगे चुनाव जीतने के बाद वो मकरणा विधानसभा क्षेत्र से आप बता देना वहीं से करेंगे और आपके सारे ओड़बे साहब जितने दूर करा खूब विकास कराएंगे आप निश्चित हैं जाकिर साहब अपने बता रहे हैं एमएलए कोटे का और मैं इस इलाके में खूब विकास कराऊंगा धन्यवाद जय हिंद।